जय हिंद स्टूडेंट्स, उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं बसंत कुमार आज चर्चा करने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास टेंथ के सोशल साइंस जो ज्योग्राफी का पार्ट है चैप्टर वन संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। और आप जानते हैं संसाधन और विकास हम लोग के लिए दोनों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? अगर हम विकास चाहते हैं तो उसके लिए संसाधन होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो अगर हम विकास चाहते हैं तो संसाधन होना जरूरी। इट मीन्स कह सकते हैं कि विकास और संसाधन जो है वो एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, और एक दूसरे के लिए क्या है ज़रूरी है। अगर संसाधन है तो विकास हो पाएगा, संसाधन नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे संसाधन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संसाधन के बारे में। आखिर संसाधन है क्या? तो संसाधन हम लोग उसे कहते हैं जो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता हो। ठीक है, वैसा वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि संसाधन किसे कहते हैं तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे? वैसा वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन के प्रकार जो है चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला संसाधन का जो प्रकार है वो उत्पत्ति के आधार पे है। उत्पत्ति के आधार पे हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में और संसाधन के प्रकार को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, दूसरा क्या है? समाप्यता के आधार पे। तीसरा क्या है? तो स्वामित्व के आधार पे। और चौथा क्या है? तो विकास के स्तर के आधार पे। विकास के स्तर के आधार पे। ठीक है, तो ये चार हैं। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समाप्यता के आधार पे, फिर स्वामित्व के आधार पे और विकास के स्तर के आधार पे। ये संसाधन को मुख्य चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जीव संसाधन और दूसरा अजीव संसाधन। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि जीव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीव संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे दूध। ठीक है, अगर ऊन प्राप्त करना हो तो हम लोग किसे प्राप्त करेंगे? तो जीव से प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूछा जाए अजीव संसाधन किसे कहते हैं, तो अजीव संसाधन हम लोग उसे कहेंगे जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजीव संसाधन। जैसे कोयला, सोना। ठीक है, ये सब जो है वो अजीव संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अजीव संसाधन। ठीक है, तो अगर अजीव संसाधन का परिभाषा पूछा जाए कि अजीव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे हम लोग अजीव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं समाप्यता के आधार पे। तो समाप्यता के आधार पे कौन कौन सा है? तो पहला हम लोग देखेंगे नवीकरणीय। पहला क्या होता है? नवीकरणीय। और दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन हम लोग किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जिसका पुनः प्रयोग किया जा सके, वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग फिर से कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, अगर अनवीकरणीय संसाधन की चर्चा करें तो वैसा संसाधन जिसका पुनः प्रयोग ना किया जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल। तो नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, ठीक है, जिसका हम लोग पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के जब तक, देखिए जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें क्या मिलेगा? सौर ऊर्जा
मिलता रहेगा। तो इसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। वही अगर अनवीकरणीय संसाधन की चर्चा करें तो अनवीकरणीय संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका पुनः प्रयोग ना किया जा सके, जैसे कोयला। कोयला को अगर हम लोग एक बार जला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। अब राख से फिर हम लोग चाहेंगे कि उसको कोयला बना दे और फिर से प्रयोग कर पाए तो ये मुश्किल है, ठीक है, नहीं हो पाएगा। कोयला, पेट्रोल, ठीक है, तो ये सारे संसाधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि पुनः प्रयोग हम लोग इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन हम लोग उसे कहेंगे जिसका पुनः प्रयोग ना किया जा सके, अथवा वैसे संसाधन जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सके, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं? तो पहला है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर कितने तरह के संसाधन हैं? चार हैं। पहला कौन है? व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। तो वैसा संसाधन जो व्यक्ति विशेष रूप से किया जा सके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे हम लोग का घर है, वो क्या है? हमारा अपना है, अपना जायदाद है, अपना ज़मीन है, वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिगत संसाधन के अंदर कहलाएगा। दोस्तों एक चीज़ और होता है, अगर मान लिया जाए वैसे व्यक्ति जो जिनके पास अपना भूमि नहीं है तो वो क्या करते हैं? सरकार वैसे लोगों को ज़मीन देती है, ठीक है, भूमि देती है खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। बदले में सरकार उससे क्या वसूलती है? तो कर वसूलती है, टैक्स वसूलती है। तो वैसा संसाधन भी व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को दिया। अगर मान ली सरकार मुझे दिया है तो मेरे अलावा उस पर कोई और खेती नहीं कर सकता जब तक सरकार उसको ना दे दे, ठीक है। तो वैसा संसाधन भी किसके अंदर आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है? सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन हम लोग उसे कहते हैं वैसा संसाधन जिसका प्रयोग समुदाय के द्वारा किया जाता हो, मतलब इट मीन्स हम लोग कर सकते हैं जिसका प्रयोग हर कोई कर सकता है, सारे व्यक्ति कर सकते हैं एक साथ। जैसे तालाब, क्या हो जाएगा? तालाब, नहर, नदी, ये सब संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि तालाब किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समुदाय का होता है, इसलिए उसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है, समाज के सारे व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए इसे कौन सा संसाधन कहा गया? सामुदायिक संसाधन कहा गया, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग चर्चा करें तो थर्ड क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन जो किसी राष्ट्र की होती है, ठीक है। अब राष्ट्र भी कई है, तो सारे राष्ट्र की नहीं है। अगर हम चर्चा करें अपने भारतीय भारत की, ठीक है, तो भारत के लिए उनका राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? ठीक, तो जैसे जल संसाधन, जल संसाधन है ना, ये अपना देश का हो सकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा का संसाधन ये अपना देश का हो सकता है, ठीक है। तो वैसा संसाधन जो पार्टिकुलरली एक राष्ट्र का होता है, एक देश का होता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? तो राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसका चौथा, फोर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ में आता है कि जो सारे राष्ट्र के लिए हो, ठीक है, या फिर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के लिए हो, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा तो मैं बता देता हूँ। मान लिया जाए ये समुद्री तट, मतलब ये देखिए भारत का नीचे वाला भाग है, इधर चारों तरफ से क्या है? समुद्र है, ठीक है। अगर इस तटीय सीमा से 200 मील दूर अगर किसी तरह के संसाधन मिलते हैं समुद्र में, ठीक है, तो वो संसाधन जो कहलाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा,
फिर से एक बार समझ लीजिए, मान लिया जाइए भारत का, देखिए भारत का नीचे वाला पोर्शन है ठीक है, जिसको हम लोग साउथ इंडिया भाग कहते हैं, इधर क्या है तमिलनाडु वगैरह है ठीक है, गोवा वगैरह। तो यहाँ से ये देखिए, चूँकि ये समुद्री तट हो गया भारत का, और समुद्री तट से अगर 200 मील के अंदर किसी तरह का संसाधन मिलता है, कितने 200 मील के अंदर अगर किसी तरह का संसाधन मिलता है तो वो स्वाभाविक है भारत का होगा, क्यों, क्योंकि वो भारत के समीप मिला है। लेकिन अगर 200 मील से दूरी पे, 200 मील के बाद अगर समुद्र में किसी तरह के संसाधन मिलता है ठीक है, किसी भी तरह की चीज़ें की प्राप्ति होती है जो मानव की हर एक जरूरत को पूरा करे, तो वैसे संसाधन क्या कहलाए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाए जाएंगे ठीक है। पार्टिकुलर उस पर किसी देश का हक नहीं हो सकता है ठीक है, तो आप समझ गए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। आगे जो संसाधन का चौथा भाग है, विकास के स्तर के आधार पर ठीक है, तो विकास के स्तर के आधार पर भी चार तरह के संसाधन होते हैं। सबसे पहला होता है संभावी संसाधन, क्या होता है संभावी संसाधन, दूसरा क्या होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, तीसरा क्या होता है भंडार, और चौथा क्या होता है तो संचित संसाधन, संचित संसाधन ठीक है। विकास के स्तर के आधार पे मैं अभी बताया, देखिए विकास के लिए संसाधन जरूरी है, तो वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि विकास के स्तर के आधार पे जो संसाधन है वो चार तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, संभावी संसाधन, दूसरा क्या है विकसित संसाधन, तीसरा क्या है भंडार, और चौथा क्या है संचित संसाधन ठीक है। चलिए चारों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। संभावी संसाधन हम लोग किसे कहते हैं ठीक है, तो संभावी संसाधन से ही, नाम से ही पता चलता है जिसकी संभावना व्यक्त कर की गई है ठीक है, जो हमें प्राप्त हो सकता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे ठीक है। मतलब जिसका हम लोग आने वाले समय में प्रयोग कर सकते हैं, उसकी संभावना लगाई जा चुकी है, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी के कमी के वजह से वैसे संसाधन का प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे ठीक है, तो वो संभावी संसाधन के अंदर आ जाएगा। दूसरा अगर चर्चा करें हम लोग विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन जो हमें प्राप्त हो चुका है, जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी चलाक हैं, उसका प्रयोग, वैसे संसाधन जो अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय का मतलब जिसका पुनः प्रयोग ना किया जा सकता हो ठीक है, वैसे संसाधनों का हम लोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं ठीक है। तो विकसित संसाधन में वैसे ही संसाधन आते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, कोयला को एक बार हम लोग यूज कर लिए ठीक है, पेट्रोल का अगर एक बार हम लोग यूज कर लिए तो वो दोबारा हम यूज करने योग्य नहीं होता है ठीक है। तो वैसे संसाधन जो विकसित हो चुका है, जिसका हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं ठीक है, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। और तीसरा, सॉरी हाँ, विकसित संसाधन के बाद क्या है, भंडार। तो भंडार में क्या है, जिसको एक तरह का मतलब वो मिला है ठीक है, वैसे संसाधन जिसकी, जिसको देखा जा चुका है, जिसकी प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक है। प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे संसाधन बहुत सारे हैं ठीक है, लेकिन उसका वो देश प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्यों, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। तो वैसे संसाधन जो है वो क्या कहलाएगा, भंडार कहलाएगा। और फिर चौथा आता है संचित संसाधन, तो संचित संसाधन वैसे संसाधन जिसका हम लोग सेविंग कर रहे हों ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग शेल्फिश बनते हैं तो ये भी हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है, आने वाले पीढ़ी बहुत लंबा है, आने वाले कितने जेनरेशन्स आएंगे, अगर सारे संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग करके हम लोग उसको समाप्त कर दें तो वो भी सही नहीं होगा। तो संचित संसाधन वैसे संसाधन है जिसका सेविंग किया जा रहा है, जिसका बचाव किया जा रहा है फॉर फर्दर यूज ठीक है, आगे प्रयोग किया जा सके उसके लिए वैसे संसाधन का को क्या किया जा रहा है, संचित किया जा रहा है, मतलब बचाया जा रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं संसाधनों का विकास ठीक है। तो संसाधन का विकास जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं आमतौर पे जो अशिक्षित लोग होते हैं या फिर जिनको संसाधन के बारे में ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, और संसाधन का जब अंधाधुंध प्रयोग होता है तो इससे कई गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वातावरण पे ठीक है, हमारे समाज पे।
तो हमारे लिए या फिर हमारा कर्तव्य है कि संसाधन को जितना हो सके हम बचा करके चले। देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ता है संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग होने से। सबसे पहले हमारा ग्लोबल वार्मिंग खराब होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ओजोन परत भी बढ़ेगा, छिद्र भी बढ़ेगा, ठीक है। और संसाधन का जैसे तैसे प्रयोग होने से क्या हुआ है कि संसाधन जिस व्यक्ति को मिला वो क्या हो गए, अमीर हो गए, ठीक है। और संसाधन जिस व्यक्ति को नहीं मिल पाया या फिर शिक्षा के अभाव के कारण वो संसाधन का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वो क्या किस में बट गए, गरीब में। मतलब इससे क्या हो गया कि हमारा समाज जो है वो दो अलग अलग भागों में बट गया, ठीक है, गरीब और अमीर में। संसाधनों का अभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि फिर संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और हम लोग फिर संसाधन के लिए तरसेंगे। तो इसलिए संसाधन का विकास जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है और हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि जितने भी संसाधन जो अभी हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें मिल रहे हैं आसानी से, उसको बचा करके चले ताकि लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जा सके, ठीक है। आगे क्या है, आगे का टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ठीक है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि इसमें हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वैसा विकास, हम लोग संसाधन का प्रयोग करें जरूर करें लेकिन उस ढंग से करें ताकि हमारा पर्यावरण पे किसी तरह का कोई असर ना पड़े, हमारा पर्यावरण प्रभावित ना हो, ठीक है। और हम लोग इसका एक प्लान बना करके उपयोग करें संसाधनों का ताकि ये हमारे समाज में या फिर हमारे पृथ्वी पे लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे पहले क्या है कि रियो सम्मेलन के बारे में चर्चा किया हुआ है, बॉक्स में दिया होगा आप बुक में देख सकते हैं, रियो सम्मेलन। देखिए रियो सम्मेलन क्यों जरूरी है, तो रियो सम्मेलन जो है वो 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। तो ब्राज़ील में हुआ था, नाम क्या दिया गया था, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ब्राज़ील के रियोल स्थान में हुआ था इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रियो सम्मेलन पड़ा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पर्यावरण का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है, और ओजोन परत जो हमारा डैमेज होता जा रहा है उसको रोकना। मतलब रियो सम्मेलन की अगर चर्चा करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, तो सबसे पहला था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है। दूसरा क्या था, जो ओजोन हमारा ओजोन लेयर छिद्र होता जा रहा है उसका छिद्र बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उस पर चर्चा करना। और तीसरा जो मुख्य बिंदु था इसका वो था संसाधन का संरक्षण, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो हम लोग बताएंगे कि उसका मुख्य उद्देश्य संसाधन का संरक्षण, ठीक है, आप इस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओजोन छिद्र को बढ़ने से रोकना और ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार बढ़ रहा था, ठीक है, उस चीज़ को रोकना, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बताएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, रोकना, ओजोन परत को छिद्र होने जो छिद्र जो उसका लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को रोकना, और तीसरा जो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संसाधन का संरक्षण, मतलब संसाधन को बचा करके चलना। तो रियो सम्मेलन जो 1992 ईस्वी में हुआ था कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसी में दिया हुआ है एजेंडा 21 के बारे में, किसके बारे में, एजेंडा 21 के बारे में। देखिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे एजेंडा 21 के बारे में, ठीक है, एजेंडा 21 के बारे में। तो आखिर एजेंडा 21 है क्या, ठीक है, तो एजेंडा 21 एक घोषणा था, सबसे पहले क्या बताएंगे इसको, एक घोषणा है ये, ठीक है। और एक घोषणा के साथ साथ UNO सम्मेलन में UNECP जिसका 1992 में क्या किया गया था, गठन किया गया था, किसमें, एजेंडा 21 में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि UNO के द्वारा, किसके द्वारा, तो UNO के द्वारा किसका गठन किया गया था, UNECP कब किया गया था, 1992 ईस्वी में। और फिर इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य था संसाधनों का सतत
उपयोग, ठीक है, मतलब अच्छे ढंग से इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सके, इस एजेंडा में इस इन तीनों चीज़ों की चर्चा की गई थी। सबसे पहले एक घोषणा था ये, ठीक है, एजेंडा 21 जो था UNCEP, ठीक है, जिसका 1992 में इसका गठन हुआ था, और फिर इसका जो उद्देश्य क्या था, तो सतत उपयोग किसका, संसाधन का, किसका उपयोग, संसाधन का सतत उपयोग, ठीक है। तो ये तीन चीज़ था एजेंडा 21 में। एजेंडा 21 के बाद जो आया था वो है संसाधन नियोजन। अगला टॉपिक क्या है, संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है, संसाधन पे हमारा क्या प्लान है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, संसाधन नियोजन। मतलब प्लानिंग। तो अभी मैं पहले भी बताया कि संसाधन जितने भी हैं उसको, उसका उपयोग के लिए एक प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है। और संसाधन जितने भी हैं वो देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए संसाधन को पहचान करके सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्लानिंग किया गया उसमें से सबसे पहला बिंदु क्या था, तो संसाधनों को पहचानना, संसाधन को पहचानना, ठीक है, मतलब जितने भी तरह के संसाधन थे वो उनकी पहचान करना, ठीक है, और उनके बारे में चर्चा करके एक प्लान तैयार करना, तथा संसाधन व देश के विकास जो है वो उसके बीच में संबंधित स्थापित करना, जो संसाधन है, ठीक है, संसाधन कैसे देश के विकास में एक संबंध स्थापित करता है उसके बारे में एक प्लान तैयार करना, और उसी पे उसी तरीके से फिर संसाधनों का प्रयोग करना, ये किस में है, तो संसाधन नियोजन में। संसाधन नियोजन का मतलब यही है, अगर पूछा जाए कि संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधन नियोजन के तहत सबसे पहले जितने भी तरह के संसाधन जो उपलब्ध थे, ठीक है, जिनकी पहचान हो चुकी थी, उसको सही ढंग से पहचान करके और उस संसाधन पे एक योजना तैयार करके और उसका एक प्लानिंग के तहत उपयोग करना, ताकि देश के विकास में ये काम आ सके, ठीक है। उसके बाद है संसाधनों का संरक्षण। अगला टॉपिक क्या है, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, तो संसाधनों का हम लोग संरक्षण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले संसाधन का संरक्षण, अगर हम लोग संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग ना करें, जैसे तैसे प्रयोग ना करें, तो संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। संसाधन का संरक्षण का मतलब है बचाना, और मैं पूरा चैप्टर में बता रहा हूँ कि संसाधन का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, और क्यों इसे लंबे समय तक चलाया जाना चाहिए, लंबे समय तक रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें संसाधन के संरक्षण में क्या है कि मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो संसाधन को संरक्षित मतलब बचाया कैसे जा सकता है, और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स बताए उसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि संसाधन को बचाना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, भू संसाधन, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्या है, भू संसाधन। भू संसाधन, भू का मतलब होता है भूमि संसाधन, और भूमि संसाधन का मतलब है अगर मान लीजिए हम लोग को वृक्ष उगाना हो, पेड़ लगाना हो, हम लोग कहाँ लगाएंगे, भूमि पे लगाएंगे, ठीक है। कृषि करना हो, खेती करना हो, कहाँ करेंगे, भूमि पे करेंगे। वाहन जितने भी हैं, ठीक है, वो कहाँ चलते हैं, तो भूमि पे चलते हैं। तो भूमि जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। तो भूमि संसाधन में जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वह है भूमि के प्रकार, कितने प्रकार के भूमि हैं, ठीक है, भूमि के प्रकार, ठीक है। तो भूमि के प्रकार में सबसे पहला क्या है, तो वन है, वन, ठीक है। दूसरा क्या है, तो बंजर भूमि, बंजर भूमि, और बंजर भूमि के बाद क्या आ जाएगा, गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि के बाद अस्थाई चारागाह, ठीक है, गैर कृषि भूमि, उसके बाद चौथा आ जाएगा अस्थाई चारागाह, ठीक है। सबसे पहले ये चार के बारे में लोग चर्चा करेंगे, भूमि के प्रकार और भी होते हैं लेकिन ये चार के बारे में। तो वन आप समझते हैं,
वैसा भूमि जहाँ पे जंगल उगे हों, ठीक है, जंगल उगाए जाते हैं या फिर जंगल लगे हुए हो, वैसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, वन कहते हैं, ठीक है। बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब है जिस पे ना तो आप पेड़ पौधे उगा सकते हो, ना ही खेती कर सकते हो, ना ही अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, सिवाय यहाँ पे क्या हो सकता है, तो घर बन सकते हैं, मकान बन सकते हैं, रोड बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बंजर भूमि है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सड़क का निर्माण, ठीक है, मकान का निर्माण किया जा सकता है। गैर कृषि भूमि, ठीक है, गैर कृषि भूमि का मतलब होता है जहाँ पे कृषि ना किया जा सके। और फिर चौथा क्या है, अस्थाई चारागाह। तो अस्थाई चारागाह का मतलब होता है वैसे जगह पे जहाँ पे कंटिन्यूसली लगातार जानवरों को ले जा करके चराया जाता है। तो वैसे भूमि भी जो होते हैं, देखिए भूमि पे अगर एक तरह की भूमि पे, एक जगह पे अगर जानवरों को हम लोग लगातार चरा रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारे भूमि की जो उपज है उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इसलिए एक अस्थाई चारागाह बनाया जाता है जहाँ पे क्या किया जा सकता है, जानवरों को लगातार चराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उनकी जो उसका जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये चार है। अब आगे चार क्या है वो देखते हैं, आगे क्या है, तो उपवन। उपवन, उपवन का मतलब जैसे होता है पार्क, गार्डन वगैरह, वहाँ, ठीक है। उसके बाद छठा क्या है, तो कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या है, तो कृषि योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि, और कृषि योग्य बंजर भूमि में क्या है कि जहाँ पे 5 सालों से खेती नहीं किया गया हो, कितने सालों से, 5 वर्षों से खेती नहीं किया गया हो। तो अगर पूछा जाए कि कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो वैसा भूमि जहाँ पे 5 सालों से खेती ना किया गया हो। उसके बाद आता है वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ से, जहाँ पे 1 वर्ष से खेती ना किया गया, ठीक है। तो वर्तमान प्रतिभूमि हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे लगभग 1 सालों से खेती ना किया गया हो। उसके बाद आगे क्या आता है, प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि मतलब होता है जहाँ पे 1 से 5 सालों तक खेती ना किया गया हो। तो आठवां क्या हो जाएगा, पुरातन प्रतिभूमि, जहाँ पे 1 से 5 साल तक खेती ना किया गया हो, ठीक है। और फिर सबसे अंतिम जो नौवां है वो क्या होगा, शुद्ध व निवल भूमि, ठीक है। ये इस ऐसे भूमि, वैसे भूमि को हम लोग शुद्ध निवल भूमि कहते हैं जहाँ पे 1 साल के अंदर कई तरह की खेती कई बार किया जा सकता है, वैसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, तो शुद्ध निवल भूमि कहते हैं, ठीक है। इसका अगला टॉपिक क्या होगा, तो भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि प्रदूषण, प्रदूषण, ठीक है। और भूमिक प्रदूषण के कारक, सबसे पहले कारक के बारे में जानेंगे और फिर उपाय, ठीक है। भूमि प्रदूषण जो है उसका कारक क्या है, किस कारण से भूमि प्रदूषण हो रहा है, और फिर भूमि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, उसके उपाय भी चर्चा करेंगे। तो कारक क्या है, तो सबसे पहला कारक है कि जैसे तैसे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना, है ना। हम लोग क्या क्या करते हैं, जब खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि के क्रम में जैसे तैसे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर देते हैं, खाद का प्रयोग कर देते हैं, जिससे क्या होती है, भूमि प्रदूषण होती है। दूसरा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग पेड़ की कटाव करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, इससे भी क्या होता है, तो भूमि प्रदूषण होता है, मतलब प्रदूषण बढ़ता है। तीसरा क्या कारक होगा, तो अभी मैं बताया सबसे पहला, ठीक है, क्या बताया, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना, फर्टिलाइजर्स, जैसे तैसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करना। दूसरा क्या बताया, पेड़ पौधे को ज़्यादा काटना, पेड़ पौधों को जैसे तैसे जब हम लोग काटते हैं तो इससे भी क्या होता है कि भूमि प्रदूषण होता है। चौथा गंदे पानी, गंदे पानी से खेती करना, अगर हम लोग जैसे तैसे पानी से खेती करते हैं, ठीक है, या फिर दूषित जल से खेती करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, भू निम्नीकरण होता है, मतलब भूमि का प्रदूषण बढ़ता है। तो ये कारक थे
अब इसका उपाय क्या देखते हैं। तो उपाय में क्या हो जाएगा, इन सारी चीज़ों को ना करना, जैसे फर्टिलाइज़र, जैसे तैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं उसको ना करना, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को ना करना, ठीक है, और फिर पेड़ पौधे को ना काटना। अगर पेड़ पौधे को जैसे तैसे हम लोग नहीं काटेंगे, इससे क्या होगा कि भूमि प्रदूषित होने से बचेगा, इट मीन्स भू निम्नीकरण होने से बचेगा। जैसे तैसे गंदे पानी से खेती ना करना, ठीक है। तो ये सब कारक थे, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, भू निम्नीकरण हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका उपाय चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ना करें। जहाँ पे हम लोग जैसे तैसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे सही फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके हम लोग इसका संरक्षण ढूंढ सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। पेड़ पौधे जहाँ हम लोग काट रहे हैं वैसे जगह, उस जगह पे अगर हम लोग पेड़ पौधे को लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भूमि प्रदूषित होने से बच जाएगा। गंदे पानी का से जो हम लोग खेती करते हैं, तो गंदे पानी का प्रयोग ना करके के अगर साफ पानी, अच्छे पानी से अगर हम लोग खेती करते हैं तो उससे भी क्या होगा, भू निम्नीकरण नहीं होगा। आगे क्या है, तो देखिए आगे क्या है, मृदा संरक्षण। अगला टॉपिक क्या होगा, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण और मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी को संरक्षित करना क्यों जरूरी है, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग देखें कि मिट्टी कितना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर भूमि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो मिट्टी को हम लोग कह सकते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके अलावा मिट्टी क्या करता है, तो मिट्टी का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कर्तव्य क्या है, ठीक है, हमारा दायित्व क्या है कि हम लोग मृदा का संरक्षण करें। क्यों, क्योंकि अगर मिट्टी एक बार दूषित हो गया तो फिर वो तुरंत तो बन नहीं सकता, उसका फॉर्मेशन तुरंत तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे लाखों वर्ष लगता है। ज़रूरी नहीं कि एक लाख वर्ष में वो हो ही जाएगा, ठीक है, कई वर्ष लगते हैं मिट्टी का निर्माण होने में। और मिट्टी का निर्माण आप पढ़े होंगे, ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों को टूटने से होता है, ठीक है, तो ऐसे करके लंबा समय लग जाता है। और मिट्टी का निर्माण में जो कारक हैं, जैसे जलवायु, जलवायु के बाद है तापमान, तापमान भी इसका कारक है, ठीक है। जलवायु, तापमान, ये सब क्यों है, क्योंकि अगर देखते हैं हम लोग कि मौसम लगातार बदलता रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, तापमान भी उस समय अलग अलग होता है, ठंड में तापमान कम होता है जबकि गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, अगर चट्टानों पे इस तरह का जब रोटेशन होते रहता है तो चट्टान कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर हवा और पानी के बहाव से वो चट्टान टूट करके नीचे आ जाते हैं और मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो मृदा संरक्षण हम लोग को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तथा दूसरा इसकी फॉर्मेशन में, ठीक है, मिट्टी को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और इसके लिए जो कारक है, मतलब जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसके लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु और तापमान। अगला टॉपिक इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मृदा का प्रकार, मतलब मिट्टी का प्रकार। देखिए मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है जलोढ़, कौन सा है, जलोढ़। दूसरा क्या है, काली मृदा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, लाल व पीली मृदा। चौथा क्या है, लैटेराइट। और पांचवा क्या है, तो मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो ये सब मृदा के प्रकार है। अगर पूछा जाए कि मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटेराइट और मरुस्थली, ठीक है। और सारे मृदा जो है वो अलग अलग तरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तथा सारे मृदा जो हैं, ठीक है, मृदा के जितने भी प्रकार हैं उनका उपज भी अलग अलग तरीके से होता है। नहीं, ऐसा नहीं कि जितना उपज जलोढ़ में होगा उतना काली मिट्टी में भी होगा, उतना लाल में भी होगा, मतलब सबका जो करैक्टर है वो अलग अलग फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन,
ठीक है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। हम लोग देखते हैं आमतौर पे मिट्टी का कटाव होते रहता है, उसका हम लोग कारक और उपाय के बारे में जानेंगे, ठीक है। कारक कौन कौन से है, उपाय कौन कौन से है। तो मृदा अपरदन का कारक क्या है, सबसे पहला तो इसमें भी वही आ जाएगा, पेड़ पौधों का कटाव। जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे को काटेंगे मृदा अपरदन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका उपाय क्या हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगा करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगा करके हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोकने का एक और विधि क्या है, तो टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, कैसे, तो पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में होता क्या है कि जब पानी का बहाव होता है, ठीक है, तो पानी के बहाव के साथ साथ मिट्टी भी क्या हो जाता है, बह जाता है और कहाँ चला जाता है, नदियों नालों में या फिर समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से मिट्टी का अपरदन मतलब मृदा अपरदन होता है। लेकिन अगर वैसे जगह पे जो ढलान जगह है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है, वैसे जगह पे अगर हम लोग टेरेस फार्मिंग करें, इस तरह का फार्मिंग करें, ठीक है, खेतों का निर्माण करें, तो क्या होगा कि इधर से अगर मिट्टी बह करके आएगा, ठीक है, तो यहाँ अगर गिरेगा फिर से यहाँ कुछ बहते बहते रुक जाएगा कुछ मिट्टी, फिर यहाँ से बहते बहते यहाँ रुकेगी। इस तरह से क्या होगा कि मृदा का अपरदन जो है वो कम होगा और फिर मृदा अपरदन होने से हम लोग रोक सकते हैं, मिट्टी का कटाव होने से रोक सकते हैं। तो जितने भी कारक हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले जानना होगा और उस कारक को से कैसे हम लोग निपट सकते हैं, उसका उपाय क्या हो सकता है वो जानना होगा, तब जाकर के हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो यही सब कारक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाइए, ठीक है। अगर खेती करते हैं तो टेरेस फार्मिंग कीजिए, जहाँ से पानी निकालते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये नाले हम बनाए हुए हैं, यहाँ से पानी बहेगा तो स्वाभाविक है ये दोनों साइड के मिट्टी को क्या करेगा, अपने साथ ले करके जाएगा। तो अगर इसके दोनों साइड अगर इसको बाउंड कर दे ताकि मिट्टी इसको बहा ना सके, उससे भी क्या हो जाएगा, तो मृदा अपरदन होने से हम मतलब बच जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर संसाधन एवं विकास। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे अगला टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद।